जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बर्ड स्टूडियो में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम आए हैं मुबीन भाई के सेटअप पे। तो मुबीन भाई के सेटअप का एक मैं पहले छोटा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि मुबीन भाई ने असल में नया सेटअप जो है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलें वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको और इनका नया सेटअप भी दिखा देता हूँ कि मुबीन भाई ने किस तरीके से बनाया है। अच्छा, ये तो है एक एवरी ये है और इसके बराबर में एक रूम और है, मतलब दो जगह से मुबीन भाई ने ये केजेस जो हैं दो जगह पे रखे हैं। तो चलिए मैं ओवरव्यू आपको बाद में दिखाता हूँ और मतलब अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर वाला सेटअप किस तरीके का। जी तो ये दूसरा वाला रूम है जिसमें मैं आया हूँ, ये आप देख सकते हैं पूरा। ये इस तरीके से बॉक्सेस भी लग गए हैं सारे। चलिए अब हम चलते हैं मुबीन भाई के पास और मुबीन भाई से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी फ्रेंड, तो जैसे मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया मुबीन भाई के सेटअप का, तो मुबीन भाई सामने बैठे हैं। मुबीन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबीन भाई, तो व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएं, जो आपने नया जो सेटअप अभी बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं अपने। जी तैर भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सीज़न मैंने अपना थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बॉक्स वगैरह भी इंस्टॉल कर दिए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ब्रीड भी अच्छी आएगी। पिछले साल मेरा ब्रीडिंग सेटअप जो है वो चेंज था और इस साल मैंने अपना ब्रीडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि अपना सेटअप जो है वो प्रॉपर सही तरीके से कर लिया जाए, उसके बाद ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ओवर दिखा दिया है मेरे सेटअप का। कुछ पेयर भी हैं जो मैंने इस दफ़ा अपनी एवरी में प्लस किए हैं, कुछ न्यू म्यूटेशन है और उसके अलावा जो कुछ पेयर मेरे पुराने हैं ब्रीडर पेयर वो भी मैंने ब्रीड के ऊपर लगाएं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो वो भी आप भाइयों से शेयर करेंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक ये है कि उन नए फैंसियर के लिए जो अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जो अभी इस हॉबी में नए आ रहे हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से पेयर बाय करें, किस ब्रीडर से बाय करें। तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि पहले तो देखें लव बर्ड्स के बारे में, समझ लें, सीख लें, म्यूटेशन का पता कर लें कि कौन सी म्यूटेशन लगाना चाहिए। लाजमी नहीं है आप डायरेक्ट ही कोई महंगी म्यूटेशन लें और वो आप ब्रीड करवाएं। आप बेसिक बर्ड अपने रखें, आप उनसे ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करें, सीखें और इंशाल्लाह स्टेप टू स्टेप चलते रहें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। बेसिक बर्ड से मुराद जैसे वाइल्ड ग्रीन फिशर हो गया, ठीक है। ग्रीन फिशर की क्वालिटी जो मेन बेसिक है लव बर्ड म्यूटेशन के अंदर वो है ग्रीन फिशर। जो वाइल्ड ग्रीन फिशर अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ताकि देखें वर्किंग हो रही थी पाकिस्तान में इससे पहले, मगर क्वालिटी के ऊपर वर्किंग हम लोगों ने अब करना शुरू किए, ठीक है। तो वाइल्ड ग्रीन फिशर हुआ, अच्छी क्वालिटी में ब्लू फिशरी हुई, ये वो पीस है जो आप समझे शुरुआत करेंगे अच्छे चीज़ से करें। पाइड अपनी एवरी में ना रखें, अच्छे बर्ड रखें, क्वालिटी बर्ड ब्रीड करवाएं। चाहे वो आपको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, मगर वन बाय वन आप स्टेप टू स्टेप चलते रहें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ अपने पेयर दिखा देता हूँ, ताकि इतने सारे पेयर हैं तो दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से 2-4 पेयर मैं आपको दिखा देता हूँ जो इस सीज़न मैंने बाइंग किए हैं और क्वालिटी के ऊपर जो वर्क कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह आपको पेयर दिखाता हूँ। जी ताहिर भाई, एक पेयर ये है जो मैंने अपनी एवरी में न्यू प्लस किया है, ग्रीन ऑफलाइन। आप माशाल्लाह से ग्रीन ऑफलाइन का साइज़ भी देख लें, अभी थोड़ा सा शॉप बॉक्स में आए तो
माशाल्लाह साइज़ क्वालिटी ये आपके सामने है, और एक पेयर है लोटिनो ऑफलाइन, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बर्ड है। लोटिनो ऑफलाइन एक ये पेयर है मेरा, चलें तैयार भाई आपको आगे और पेयर दिखाते हैं। एक पेयर ये है तैयार भाई, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पेयर है, वायलेट डाइल्यूट ऑफलाइन मेल है और ब्लू ऑफलाइन डाइल्यूट की फीमेल है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बर्ड है। और आप इनका साइज़ वगैरह भी चेक कर लें, एक पेयर ये टायर भाई, एक पेयर ये है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पेयर है, ये फीमेल है वायलेट ऑफलाइन की, पार्क ब्लू वायलेट ऑफलाइन फीमेल है और ये मेरी होम ब्रीड है, और उसके साथ जो मेल लगा हुआ है वो पार्क ब्लू यूविंग ऑफलाइन मेल है। माशाल्लाह आप इसकी क्वालिटी देखें, साइज चेक करें। ये टायर भाई एक पेयर ये है, इसके साथ जो मेल है ग्रीन ऑफलाइन डाइल्यूट का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है, माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज़ में ये पेयर है। जी ताहिर भाई एक पेयर ये लगा हुआ है, ग्रीन ऑफलाइन फीमेल है और इसके साथ जो मेल लगा हुआ है वो मिस्टी सिलेटी ग्रीन ऑफलाइन मेल दिया हुआ है इसको। एक पेयर ये है ताहिर भाई, वायलेट यूविंग ऑफलाइन पेलफेलो मेल है और उसके साथ जो फीमेल है वो पार्क ब्लू ऑफलाइन की फीमेल दी है। जी ताहिर भाई एक पेयर ये लगाया हुआ है मैंने, पार्क ब्लू ऑफलाइन पेलफेलो फीमेल है और उसके साथ जो मेल है वो पार्क ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेलफेलो का मेल है। जी ताहिर भाई एक पेयर ये है, पार्क ब्लू ऑफलाइन फीमेल है और उसके साथ जो मेल है वो पार्क ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन मेल। जी ताहिर भाई माशाल्लाह से ये मेरा वर्किंग पेयर है, वाइल्ड ग्रीन फिशर मेल है और वायलेट फिशर फीमेल, आप दोनों की माशाल्लाह मास्किंग चेक करें, साइज़ चेक करें दोनों का, ये बहुत ही खूबसूरत पेयर है। जी ताहिर भाई एक पेयर ये है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन फीमेल है और उसके साथ जो मेल दिया है मैंने मिस्टी स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू मेल है, वायलेट पार्क ब्लू फिशर मेल है और उसके साथ जो फीमेल है वायलेट फिशरी, ये भी मेरी होम ब्रीड है वायलेट फिशरी, माशाल्लाह साइज़ चेक करें क्वालिटी देखें। एक पेयर ये लगाया हुआ है वायलेट फिशर इनटू ब्लू फिशर, माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज़ में दोनों पीस हैं। जी ताहिर भाई ये कुछ पेयर थे जो मैंने आपको दिखाए और उम्मीद है माशाल्लाह आपको अच्छे लगे होंगे। आप सब भाइयों से दुआओं की दरख्वास्त कि अल्लाह ताला हम सब भाइयों के कामों में बरकत अता फरमाए, इंशाल्लाह इसकी इन पेयरों की जब ब्रीड आ जाएगी उनका रिज़ल्ट भी आपसे शो करेंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।